फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आज हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे देश और प्रदेश के मुख्य समाचार, उसके बाद जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन ये सब जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते चले कि आप रात के 9:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं जम्मू कश्मीर के टॉप 10 हेडलाइंस। इसी के साथ फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियोस आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को जरूर आगे शेयर करते रहें। और अब चलिए आइए जान लेते हैं क्या है दिन का पहला मुख्य समाचार। पहला समाचार, लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 करने का प्रस्ताव, कैबिनेट ने दी मंजूरी। के साथ दूसरा समाचार बताते चले, गिर गई कच्चे तेल की कीमत, देश में आज ने चल रहे हैं पेट्रोल और डीजल के रेट। जानकारी दे दे कि किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश जारी है, प्राकृतिक खेती पर शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। चौथा समाचार आपके समक्ष, शीतलहर के साथ कड़कड़ाती ठंड के लिए हो जाए तैयार मौसम विभाग का अनुमान। अहम समाचार बताते चले कि एमएम नारवाने सीओएससी में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। चलिए आइए इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। महिलाओं के विवाह की उम्र को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी दे दे कि देश में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जानकारी दे दे क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से गिरावट दर्ज हुई, हालांकि देश में गुरुवार यानी कि 16 दिसंबर 2021 को फ्यूल ऑयल के घरेलू दामों में फिर कोई बदलाव नहीं हुआ है। 3 नवंबर के बाद से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गुरुवार को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में एक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों की इनकम बढ़ाने को लेकर कदम उठा रही है। समाचार आपके समक्ष, दिवाली के बाद से गुलाबी ठंड में हल्की धूप का मजा कुछ दिनों में जाने वाला है। मौसम विभाग ने शीतलहर के साथ पारा गिरने का अनुमान जताया है और आने वाले दिनों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ पांचवा समाचार, जानकारी देते चले कि जनरल एमएम नारवाने अपॉइंट किए हुए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन ने सीडीएस नियुक्त होने तक सीओएससी ही संभालेगी कामकाज। अब चलिए आइए एक तरफ नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर, यानी दिन भर के टॉप 10 हेडलाइंस जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ये जानने के लिए बने रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ। पहली खबर आपके समक्ष, 1971 में भारत की पाकिस्तान पर जीत की 50वीं सालगिरह पर गर्जे उपराज्यपाल, कहा कि जरूरत पड़ी तो हमारे जवान फिर 1971 दोहराने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी खबर, साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी बाला इलाके में कल देर रात चल रही मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। मारे गए आतंकियों की पहचान आमिर बशीर डार और आदिल यूसुफ शान के रूप में हुई। खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 27 पुलिस अधिकारियों के किए तबादले, आईपीएस राकेश बलवाल को एसएसपी श्रीनगर के रूप में किया गया तैनात। और अब जानकारी देते कि फ्रेश स्नोफॉल के कारण सोनमार्ग जोजिला सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, मार्ग पर बर्फबारी होने के कारण रास्ते बंद है। खबर आपके समक्ष, सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को एम्स तक ले जाने की रखी मांग, कहा कि प्रोजेक्ट को फाइनल करने से पहले इन संभावनाओं को विस्तार किया जाए। सातवीं खबर बताते चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कश्मीर से जम्मू तक लगातार हो रही जनसभाएं नहीं है चुनावों को देखकर, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी की बढ़ती गतिविधियां चुनावों की तैयारी नहीं है। आज की अहम खबर, जम्मू कश्मीर के 2022-23 बजट के लिए तैयारियां जारी है। प्रदेश में विभागीय स्तर पर अनुमानित बजट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। नई दिल्ली में 30 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बैठक के लिए बुलाया है। के साथ जानकारी देते चले, जम्मू कश्मीर में अब भूमि पासबुक 3 भाषाओं में होगा, जमीन के मालिक को पासबुक हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में मिलेगी और ये आम लोगों की सुविधा के लिए, ताकि वे अपनी जमीन संबंधी सभी प्रकार की जानकारी रख सके। के साथ दिन की आखिरी खबर आपके समक्ष, माता के भक्तों को बड़ी राहत, वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को एक स्थान से ही अब मिलेंगी हेलीकॉप्टर, रेल व परिवहन की सभी सुविधाएं। तो दर्शकों, ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें, यानी दिन भर के टॉप 10 हाइलाइट्स जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही टॉप 10 हाइलाइट्स के लिए बने रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ और आप भी हमारी वीडियोस को जरूर आगे शेयर करते रहे और साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि।